राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई बार हमें सुनने में आता है कि बच्चों की उम्र बहुत हो गई, लेकिन वह अपने जीवन में अभी सेटल नहीं हो पाए, ना ही नौकरी में ना ही व्यापार में। तो एक अस्थिरता बच्चों के जीवन में चल रही है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी की शिकायत, घुटनों की शिकायत, जोड़ दर्द की शिकायत और कानों की शक्ति कहीं ना कहीं कम हो जाना या शरीर को इन सभी रोगों से पीड़ित हो जाना और बुढ़ापा खराब होकर बीतना और इसके अलावा बच्चों के कोई ना कोई दुख हमें सताते रहने या बच्चों के द्वारा हमारा ध्यान न रखना, सिर्फ चाहे हाल ही पूछना हो तो इतना ही करना हमारे बच्चों के लिए दुर्लभ हो जाता है। तो ये सभी खराबियां केतु ग्रह से जुड़ी हैं। देखिए केतु ग्रह कुंडली में भी खराब होता है कई बार कई लोगों की, लेकिन केतु ग्रह को कई बार हम अपनी जीवन शैली से भी खराब कर लेते हैं। हमारे जीवन जीने के ढंग इतने बेढंगे हो चुके हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसी इसी भोलेपन में, इसी नॉलेज की कमी के कारण हम अपना कई बार अच्छा भला केतु खराब कर लेते हैं। तो आज मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं एक ऐसी आदत के कारण हमारा केतु ग्रह खराब हो जाता है। वह आदत क्या है? देखिए उत्तर भारत में तो अभी सर्दी का माहौल है, लेकिन मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं कि जो अपना खाना पीना बेड पर बैठकर करते हैं, यानी कि अपने पलंग पर, अपने सोने वाले बिस्तर पर, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए जो बेड है, जो पलंग है, ये केतु ग्रह से संबंधित आता है, और जो खाना पीना हमारा है वह मंगल ग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम खाना पीना बैठकर बेड पर करते हैं तो मंगल और केतु की शत्रुता के कारण केतु खराब हो जाता है। फिर जो समस्याएं मैंने अभी आपको पीछे बोली, उन सभी समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। अब आपकी कुंडली में केतु चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन जो गलती आप कर बैठे हैं वह आपको भुगतने ही पड़ेगी। आपका केतु अच्छा होते हुए भी खराब हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने अपनी जीवन शैली में एक सुधार करना है। कभी भी बैठकर बेड पे खाना नहीं खाना। तो फिर ये शिकायत होती है लोगों को, हम पर उपाय नहीं काम करते, पहले अपनी जीवन शैली को भी सुधारिए। तो छोटी छोटी चीजें जब अनुशासन और नियम में बदल जाती हैं तो स्वतः ही हमारे खराब ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। अगर नहीं बदलती, हम नियमों को खराब कर देते हैं, अनुशासन भंग कर देते हैं, तो अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। तो खाना खाने की सबसे उत्तम जगह आपका रसोई घर है। पुराने समय में आपको याद ही होगा, माताएं बहनें हमारी दादी माँ जहां खाना बनाती थी वहीं बैठकर सब खा लेते थे, तो जीवन बड़ा सुखमय था। लेकिन अब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा तो ये चीजें दूर हो गई, तकलीफें बढ़ गई, जबकि समृद्धि आने के साथ हमें सुख बढ़ना चाहिए था, दुख नहीं। तो आप कोशिश ये करिए रसोई घर में, चाहे कुर्सी पर बैठकर, अगर आसन लगाकर बैठ सकते हैं तो आसन लगाकर खाना खाए, अगर बैठने की जगह नहीं है तो रसोई घर में खड़े खड़े ही खाना खाए, सेल्फ पे रख के अपने केतु ग्रह को ठीक करने के लिए। तो ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। केतु ग्रह के उपाय या खराबियां आप झेल रहे हैं, उनका उपायों का असर नहीं आ रहा, तो ये साथ में छोटे छोटे सुधार करके आपको आपके ग्रहों के अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। छोटा सा सुधार आप अपने जीवन शैली में करेंगे और केतु ग्रह से जुड़े हुए अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए राम राम।